नमस्कार, मैं हूँ अक्षय आनंद। आप livecities.in देख रहे हैं। लाइव सिटीज की पूरी परिवार की ओर से तमाम दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह नया वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आज 1 जनवरी 2019 को लाइव सिटीज ने सफलता की ओर एक और कदम बढ़ाया। हम 7 लाख सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को पार कर चुके हैं और बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल होने की दौड़ में तेज चल रहे हैं। यह सब आपके प्यार और आशीर्वाद से ही मुमकिन हुआ। इसी तरह हमारा साथ देते रहें और हम आप तक अच्छी, रोचक और सच्ची जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। आज बिहार की बात में बात भी इस नए साल पर ही, क्योंकि 2019 का यह साल लोकसभा चुनाव भी लेकर आएगा। चुनाव तो पूरे देश का होगा, लेकिन किस्मत बिहार की भी बदल सकती है। बिहार की एक अहम भूमिका रहेगी इस लोकसभा चुनाव के धारा को डिसाइड करने में। साथ ही साथ जो पार्टियां तैयारी कर रही हैं उनके समीकरण भी साफ होंगे और बिहार में यह मुकाबला लालू वर्सेस नीतीश का एक बार फिर नजर आने जा रहा है। लालू प्रसाद यादव बिहार में नहीं है, रांची में है, रिम्स में इलाज चल रहा है, चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता हैं, तो होटवार जेल से इलाज के लिए उन्हें रिम्स भेजा गया। नीतीश कुमार अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं एक बार फिर से। पिछले बार जब अलग लड़के देखा तो महज 2 सीटों पर सिमट गए, इस बार 17 पर लड़ रहे हैं, तो जीत तो होती पहले ही नजर आ चुकी है। रामविलास पासवान ने अपनी पगड़ी बचा ली। 6+1, जब भाजपा 22 से 17 पर आने को तैयार हो गई तो भी रामविलास नहीं माने। 6 लोकसभा में और खुद को राज्यसभा भेजने की बात पर अमित शाह को झुका दिया। चिराग पासवान ने भी अपनी बात मनवा ली। तो ये दो जो दल हैं, जदयू और लोजपा, उनके लिए तो यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाजपा का टेंशन बढ़ सकता है। हालांकि कितना अच्छा या बुरा होगा ये तो 2019 में होने वाले चुनावों के नतीजे बताएंगे, लेकिन टक्कर कांटे की होगी, क्योंकि मोदी लहर जो था वो इस बार थमता नजर आ रहा है और अब 2019 में लगभग चुनाव को 5 महीने बचे हैं और देश ही नहीं बल्कि बिहार के लिए भी यह अगले 5 महीने खूब रोमांचक रहने वाले हैं। जब हालात धीरे धीरे क्लियर होने शुरू होंगे उसके बाद चुनाव होगा और जो एक फिगर बन गई है मोदी वर्सेस ऑल की, उसमें जीत मोदी की होती है या ऑल की, इस बात का जवाब मिलेगा। महागठबंधन जो अपनी भूमिका, अपने ढांचे को तैयार करने में जोर शोर से लगा है, वो कितना मजबूत बन पाता है यह भी देखने को मिलेगा। आप बने रहिए लाइव सीरीज के साथ, क्योंकि बिहार की बात में आज बात नए साल 2019 की और उनसे जुड़े रोमांच की। तो चुनावी साल 2019, एनडीए ने सीटों का आंकड़ा क्लियर किया है। किस पर कौन, ये तो आखिरी मोमेंट पर ही तय होगा। महागठबंधन में तो अभी सीटों का आंकड़ा भी नहीं तय हुआ। ब्राह्मणवाद के खिलाफ चाहे जितनी भी लड़ाई हो, लेकिन जब बात जीत हार की आती है, किस्मत की आती है, तो भरोसा सबको कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर पे खास तौर पर हो जाता है। खरमास चल रहा है तो कह रहे हैं कि सीटों का ऐलान नहीं करेंगे, नहीं किया तो हार जाएंगे। हालांकि एनडीए ने आंकड़े तो क्लियर कर दिए, लेकिन वो भी फाइनल अनाउंसमेंट करने से बच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मानते हैं कि खरमास में की हुई काम सफल नहीं होती तो इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि जनता जब अपने डिसीज़न पर आएगी तो ये सारी चीज़ें भी नहीं बचा पाएंगी, लेकिन प्रोएक्टिव एक्शंस लेना भी बुरी बात नहीं है। वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे कि कल होके कोई ऐसा कह दे कि आपने उस वक्त फैसला लिया था तो खराब हो गया। एनडीए में सीटों को लेकर आंकड़ा साफ, 17-17-6, 6+1 लोजपा के लिए। वहीं बात महागठबंधन की करें तो महागठबंधन खुद को तैयार करने में जुटा है। रांची हेडक्वार्टर से संचालन हो रहा है। लालू प्रसाद यादव जो पटना में नहीं है तो तेजस्वी राजद की कमान संभाले हैं और अब तो उपेंद्र कुशवाहा और सनफ मल्लाह मुकेश सहनी भी महागठबंधन के नाव पर सवार हो गए हैं। सहयोगी तो मजबूत मिले, जाल तो रामविलास पासवान के लिए भी फेंका गया था,
मगर मौसम वैज्ञानिक उन्हें ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। वो एनडीए में बने हुए हैं आज 1 जनवरी 2019 तक, मगर उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन का दामन थाम लिया। आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का भी दौर चला, लेकिन अब महागठबंधन की मजबूती के लिए काम करेंगे। सभाओं में नारे खूब लगते हैं अगला सीएम उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, मगर तेजस्वी भी है, कांग्रेस भी है, सर्वसहमति से दल जब बैठेंगे तो फैसला होगा। लेकिन फिलहाल तो 2019 की यूपी में जो महागठबंधन अखिलेश और माया के कारण नहीं बन पा रहा है, वो बिहार में बनता नजर आ रहा है। हालांकि सीटों का क्लियरेंस नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टियों का स्टैंड अभी तक तो महागठबंधन के पक्ष में ही है, लेकिन आगे मुश्किलें भी नजर आ रही हैं, कहीं सीटों को लेकर स्थिति फंस ना जाए। राजद ने कहा है कि हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, मकसद मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने का है। लड़ाई भाजपा और आरएसएस के खिलाफ है। तेजस्वी यादव जब लालू यादव से मिलकर बाहर निकले थे तो कहा था कि हम अपनी स्ट्रैटेजी क्यों बताएं, क्या आप बताते हैं, मीडिया से कह रहे थे। तो मतलब साफ है कि स्ट्रैटेजी बनानी तय हो गई है, कैंडिडेट्स भी वैसे ही फाइल किए जाएंगे तो जीत कर आए। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम उसी को टिकट देंगे जो सीट जीत कर लाएगा, कैंडिडेट्स भी अपनी दावेदारी ठोकने में तैयार हैं। लाइव सिटीज़ के ये कार्यक्रम बिहार का मिजाज में भी हमने उस वक्त के हिसाब से जो भी कुछ क्लियर हुआ कि सीट पर कौन, वो हमने किया, रिसर्च किया, जानकारी निकाली, एनालिसिस की और बताया। हालात बिहार में हर रोज़ बदल रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं कैंडिडेट्स तो क्षेत्रों में दाव ठोक ही रहे हैं, इधर पार्टियां भी रिपोर्ट्स तैयार करवा रही हैं अपने जो रिसर्च ग्रुप है, जो पब्लिक ओपिनियन भी कर रहा है और लोगों के बीच जाकर राय मशवरा चल रहा है। एनडीए के लिए आरएसएस भी अपना पूरा काम कर रही है कैंडिडेट्स तैयार करने में कि आखिर जीतने वाला उम्मीदवार कौन सा है। जब ये तय होगा तो नॉमिनेशन भरे जाएंगे, फिर कैंडिडेट्स को इस रण में उतारा जाएगा और उसी हिसाब से एक दिन पहले की बातचीत में फिर तय होगा कि कौन सीट जीत कर लाने वाला है। अगर कौन सा कैंडिडेट, कोई एक्स कैंडिडेट उतर रहा है और उसको वाई टक्कर दे सकता है या हरा सकता है, तो एनडीए और महागठबंधन की बीच ये फाइट देखने को मिलेगा, तो वाई किसे फाइल करेगा। तो ये जो 5 महीने हैं वो इसीलिए रोमांचक होने वाले हैं। नया साल शुरू हो चुका है, पार्टियां भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, अब एक एक करके और स्पष्ट होगा कि कौन सा गठबंधन किसको फाइल कर रहा है। नाम का अनाउंसमेंट तो चुनाव का ऐलान होने के जस्ट पहले ही होंगे कि कौन सा कैंडिडेट तय हुआ, लेकिन दोनों ही गठबंधन उसी के हिसाब से अपने अपने कैंडिडेट्स तैयार करके रखेंगे ताकि सीटें जीती जा सके। तीसरा पहलू भी एक तैयार हो रहा है, हालांकि यूपी में अभी अखिलेश यादव और मायावती इन दोनों गठबंधनों से अलग राह पकड़े नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना था कि मध्य प्रदेश में हमारे विधायक को मंत्री नहीं बनाया, कहीं यूपी की अलग राह ना हो जाए, अखिलेश और मायावती अगर एक साथ मिल जाए तो 80 सीटें हैं यूपी में, भारी इफेक्ट डाल सकते हैं। बिहार में पप्पू यादव अभी तक के लिए अलग चल रहे हैं, लेकिन आगे क्या स्थिति होती है तो देखना होगा। राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, जो संभावना जिसके पक्ष में जाती हुई दिखेंगी उससे जुड़े फैसले हमें आगे देखने को मिलेंगे। मगर अभी तो यही चल रहा है कि जो दावेदार हैं सीटों के वह क्षेत्र में जमकर रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क चल रहा है, टिकट फाइनल हुआ हो ना हो लेकिन चल रहा है, सर्वे किए जा रहे हैं। उस आधार पर ही आने वाले दिनों में एक एग्जिट पोल्स भी आपको नजर आएंगे। लाइव सिटीज भी खास एग्जिट पोल करा रहा है जो आपको बताएगा कि कौन कितनी सीटें ले जाएगा। कैंडिडेट्स भी जुटे हैं, गठबंधन भी लगा है और इस बार 2014 के मुकाबले टक्कर कांटे की होने वाली है। भाजपा जो पिछले बार अकेले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर गई थी, उसे इस बार गठबंधन साथी दलों की आवश्यकता पड़ती नजर आ रही है। जिस तरह से चिराग पासवान वाला प्रकरण हुआ, 2 ट्वीट्स, 1 पत्र और मानना पड़ा, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक है, सियासत के मौसम वैज्ञानिक, पाला बदलते तो फिर मुश्किल में पड़ जाती भाजपा। लेकिन अभी भाजपा के साथ है, एनडीए में है, इस बार तो नीतीश कुमार भी साथ हैं। हालांकि जो सुशासन का डंका कभी बजता था वो अब वो भी
मुश्किल में नजर आ रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक बिहार में अपराधों की झड़ी लगते जा रही है और सीरियस एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, उससे बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति भी मुश्किल में है। इधर जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव यंग हैं, लोगों को उम्मीदें हैं, लोग उम्मीद लगा रहे हैं उनसे, और वो भी अभी विपक्ष में तो अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हैं। हालांकि आगे कैसा परफॉर्म करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा अगर मौका मिलता है तो, लेकिन विपक्ष की भूमिका में लगे हैं, सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे। और बिहार की राजनीति दिन पर दिन इतनी रोमांचक होते जा रही है कि आप लाइव सिटीज़ पर भी देख रहे होंगे कि खूब लोग देख रहे हैं, खूब जो जनता है बिहार की उसमें भी उत्साह है कि जाने चीज़ों को कि और क्या क्या हो सकता है और क्या चल रहा है। इन सब चीज़ों के बीच महागठबंधन की बात करें तो अब राजद और कांग्रेस को छोड़कर जो दल है वो चेहरे वाले नेताओं के दल हैं, उसमें कितने लोग को कितनी सीटें मिले यह तो आगे महागठबंधन ही तय करेगा। लेकिन अब मुखिया के ही भरोसे पार्टियां बची हैं, पार्टी खुद को कितनी मजबूत करा पाती है, कितने कैंडिडेट्स लड़ा पाती है, कवायद जारी है। पार्टियां भी दम झोंके हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हो गए रालोसपा से, हम जीतन राम मांझी, सरफ मल्लाह, मुकेश सहनी भी नई पार्टी बनाए थे 2 महीना पहले, तेजस्वी यादव का कहना था कि सबको सम्मान मिलेगा। हालांकि जब लालू यादव से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उनका भी एजेंडा एक ही है, मोदी को हटाना है, कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार है। शरद यादव, लोकतांत्रिक जनता दल, नई पार्टी बनाई है, उदयनारायण चौधरी भी साथ हैं और उनकी भी सीटों को लेकर के दावेदारी ज़्यादा है, बड़े नेता हैं तो अपने हिसाब से ही अपनी बात रख रहे हैं। बात सम्मान की भी तो है कि जब नीतीश कुमार से अलग हुए हैं तो महज एक सीट ही, महागठबंधन का अपना स्टैंड क्लियर है। हालांकि शरद यादव को कहा जा रहा है कि आप खुद लड़ सकते हैं और किसी को मिलने में मुश्किल है, लेकिन अभी क्या किसको कितना पर ला पाते हैं ये तो देखना होगा, क्योंकि बेशक शरद यादव बिहार की राजनीति से जुड़े एक बड़े नाम है, इफेक्ट पड़ता है, उनको सम्मान मिलना ज़रूरी है। कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं और सरफ मल्ला, मतलब ये 6-7 पार्टियाँ मिलकर अब बिहार के रण में उतरने वाली हैं। चुनाव प्रचार का जब वक्त आएगा, रैलियां होंगी, धुआंधार रैलियां होंगी, स्टार प्रचारक आएंगे, महागठबंधन भी जोर ठोके होगा, सारे नेता फील्ड में होंगे। महागठबंधन का मंच हालांकि खूबसूरत सजता है, कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं मदन मोहन झा, अखिलेश प्रसाद सिंह, कौकब कादरी और तमाम जो कांग्रेस के नेता वो होंगे। राजद से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने भी बेल के लिए अप्लाई किया है, अब देखना है कि उनको किस प्रोविजन पे बेल मिल पाता है, क्योंकि स्वास्थ्य खराब है, इलाज करवाना है। तेज प्रताप भी दम झोंके हैं, हर रोज जनता दरबार में, राजद कार्यालय पर जनता दरबार लगा रहे हैं। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, सब नेताओं की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, मंच खूब सजेगा। भाजपा भी स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर रहा होगा और धुआंधार रैलियां बिहार अब आगे देखने वाला है, हर जिले में होगा, सुपरस्टार भी पहुंचेंगे, स्टार भी पहुंचेंगे, खेसारी लाल यादव का डांस भी दिखेगा कहीं तो कहीं, शायरियां कही जाएंगी और मिला जुलाकर खूब रोमांचक 2019, खासकर अगले 5 महीने और उसके बाद जो भी सरकार आएगी वो फिर से एक या तो मोदी साहब कंटिन्यू करें या कहीं तख्ता पलट हो जाए, दोनों संभावनाएं हैं, आगे जनता के ऊपर डिसीजन है। लेकिन रोमांचक तो खूब रहने वाला है, खास तौर पर बिहार के लिए, और एक तरह से तेजस्वी यादव की लॉन्चिंग भी होगी 2014 के बाद, जब तब तेजस्वी सक्रिय नहीं थे इतने, लेकिन अब 2019 में लोकसभा लेवल पर फाइट होना है और राहुल गांधी फेस होंगे या नहीं यह भी चीज़ क्लियर होगी। हालांकि 3 राज्यों में जीत के बाद मजबूती आई उनके रोल में, लेकिन महागठबंधन में कई पार्टियां हैं और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो आगे रोमांचक तो ज़रूर होने वाला है कि टक्कर कैसी होगी। बिहार के एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, बिहार से जुड़े अपडेट्स भी पहुंचाएंगे, जो ज़रूरी है वो ज़रूर पहुंचाएंगे। और लाइव सिटीज़ भी हर रोज़ बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है कि आपको और ज़्यादा इंटरटेन कर सके, इन्फॉर्म कर सके, रोचक जानकारियां लेकर हम भी आ रहे हैं नए साल में, नए तेवर और नए क्लेवर के साथ, हम भी आपके साथ हैं, आप बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएँ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।